लोगों को गिफ्ट्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, परफ्यूम हो गया, चॉकलेट हो गई, टी शर्ट वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। हमें तोहफे में क्या मिला, मतलब मूवी भाई ने तोहफे में क्या दिया होगा? मूवी भाई प्लीज़ दिखाएं जरा, मेरी गाड़ी में क्या है? एक बैग है, लगेज है, ओके, क्या है? अरे जैकेट लाए ना जरा, जैकेट, लेदर जैकेट निकाली क्या जरा? ये जैकेट लाए मेरे लिए, मतलब ओके ये मास, ये सर, मतलब आपको यही मिला था तोहफे में देने के लिए? मैंने कहा आज तीन के सांप बहुत पाल लिए यार। ओके सो ये नई जो है एक व्हाट डू यू कॉल इट, शी इज हैवी, एक नई एंट्री हो गई है जी घर में। आई होप मेरी अम्मा जो है ना वो उन्होंने कैसे रिएक्ट करेंगे, बट एनीवेज थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है भाई? आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली एक स्टोरी टाइम है, और वो स्टोरी टाइम इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वो किस्से कहानियां सुने जो हमारे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहे होते हैं। तो बेसिकली कहानी कुछ इस तरीके, भाई देखो कहानी शुरू करने से पहले आई रियली वॉन्ट यू टू गाइज के इस वीडियो को लाइक कर लें आप, ठीक है? लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी के है क्या। कि मेरे घर में एक पाइथन आया था, मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, येलो बर्मीज पाइथन था, एंड ऑन से वो मैंने लिया था फॉर सम डेज। तो उसको एक कंटेनर में हमने ड्राइंग रूम के अंदर रखा था, और इत्तेफाक से उस दिन गेस्ट आने थे। तो अच्छा, पाइथन का साइज तकरीबन 14 फीट था, तकरीबन ऐसा ही पाइथन था। अगर आप देखें तो यहाँ एक पाइथन रखा हुआ है जो कि मेरे पीछे से इस तरफ, ये मुंडी है इसकी, यहाँ जा रहा है, आराम कर रहा है। तकरीबन 30-14 फीट का वो पाइथन था, एंड वो पाइथन निकल गया। मुझे नहीं पता था जब तक शोर की आवाज नहीं आई। जैसे ही शोर की आवाज आई तब मैं पता चला कि कुछ हो गया, कुछ हुआ है। ये मैसेज उन लोगों के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए, अगर आप समझते हैं कि मेरे घर आना रिस्की हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। अब सारी चीजें अंडर कंट्रोल में। मैं थैंक यू करना चाहूंगा मूवी का जिन्होंने मुझे पाइथन हैंडओवर किया, और दूसरा मैं थैंक यू बोलूंगा आमिर भाई का जिन्होंने मुझे पाइथन, उनका बेसिकली उनका था ये, और उनके रेफरेंस रेस्क्यू बेसिकली रेस्क्यू केस था ये, एंड अभी आ गया है मेरे पास। तो जी बेसिकली ये जो है इट्स एन इंडियन रॉक पाइथन, और ये एक रेस्क्यू केस था। इसका अगर मैं मुंह आप लोगों को दिखाऊं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक्चुअल में यही पाइथन है जो आप देख रहे हैं मेरे साथ से बैठी हुई है। हर नेम इज ब्लॉसम, और इसका मुंह पूरा फारग हुआ हुआ था। कैसे फारग हुआ था मूवी भाई जरा बताइएगा। अच्छा, उसके शनाख्ती अलामत नहीं बताई ये? हाँ, इसकी शनाख्ती अलामत है इसका, इसके ऊपर एक डोनट बना हुआ है वो आप देख रहे होंगे, इसकी बॉडी ये खास एक निशानी है। इसके मुंह को क्या हुआ था पहले आप ये बताएं। जैसे ये वाइल्ड कॉर्ड था, तो वाइल्ड कॉर्ड करके ये सर्कस वालों के पास थी, तो उन्होंने उनके अपने खास किस्म के क्रेट होते हैं जो मूविंग ज़ू कहलाता है, लकी रानी सर्कस वगैरह जैसे होते हैं, इनके पास अपना एक मूविंग ज़ू होता है। उसमें क्या होता है, चारों तरफ लकड़ी होती है, जो फ्रंट होता है वो लोहे की बार होती है। अब जब इसको नया नया पकड़ के बंद किया था उसके अंदर, तो जो भी सामने से गुजरता था ये उसको हिट करती थी, स्ट्राइक करती थी, और उसका फेस लोहे की बारों के आगे टच होता था। अच्छा, लकड़ी चारों तरफ थी तो लकड़ी पे टच नहीं था क्योंकि उसको दिखता नहीं था, लेकिन बार्स के थ्रू उसको दिखता था। तो वो जैसे स्ट्राइक करती थी इसका फेस बार बार टच होता, तो जैसे इसका 3 इंच का फेस है तो वो तकरीबन 1.25 इंच का रह गया था सारा हिट। वो पिक्चर मैंने देखी, मुझे याद है कि बिल्कुल मुंह उसका ऐसे गायब हो गया, फैंग्स वैंग्स आगे टेढ़े, जब बार बार हिट करते रहे तो जालियां थी उनके बीच में इसका मुंह चला जा रहा था, तो बिल्कुल लंबा और मुड़ गया अंदर। पाइथन में, ब्लॉसम में कितनी ताकत होनी चाहिए? अगर ताकत, भाई मैंने इसको तकरीबन 25-25 दिन के भैंस के बच्चे से मिलवाया हुआ, तो इजीली आपने भैंस का बच्चा खिलाया इसको? मिलवाया था। मेरे घर में ब्लॉसम है, तो मैंने क्या क्या एहतियात करनी है? नंबर वन, कोको को दूर रखना है, ये कोको खा सकती है, मुझे अपनी बिल्लियां इनसे दूर रखनी है, क्या बिल्ली खा सकती है? तो मेरे घर में जो कोको है, बिल्लियां हैं, इन सबको मुझे अलग रखना पड़ेगा।
नहीं आपको ऐसी बात है, जब ऐसे एनिमल रखने पड़ते हैं तो आपको ख्याल करना पड़ता है आप दूसरे एनिमल से ना मिलवा दें, क्योंकि ये तो उसको हंट कर लेगा, अगर इसको भूख लगेगी इसको स्मेल आएगी तो ऑब्वियसली ये इसको खा लेगा। अच्छा बताओ, जिस तरीके से आराम से घूम रही है तुम्हारे पास मेरे सोफे पे यहाँ पे आसपास, तो क्या ये यूजुअली इतने ही टेम होते हैं या इस पे खास प्यार मोहब्बत? नहीं देखो, रेप्टाइल्स के अंदर होता है सारा टेम्परेचर का गेम, एक्चुअली सारा गेम होता है टेम्परेचर का। अगर जैसे मैं एक सपोज एक बात करता हूँ कि अगर हमारी अम्मा से ज्यादा कोई अजीज नहीं होता, अगर सर्दी के दिन में अम्मा अपना गीला हाथ लाके आपके गुद्दी पे रखो तो क्या करोगे आप? झटके से हटाओगे, आप नहीं बोलोगे अम्मी हटा रहे, नहीं एकदम सम्मी का हाथ पीछे कर दोगे, आपको पता भी होगा आपकी अम्मा ने रखा। तो जब हमें वो टेम्परेचर हिट करता है तो इनके अंदर भी सेम है, जब एक अलग टेम्परेचर बॉडी इनको टच करती है तो इनके अंदर भी सेम वही सेंसिटिविटी पैदा होती है जो हमारे गर्दन में, उससे 10 गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए इस पे ये स्ट्राइक करते हैं। अगर आप इसको एकदम से ठंडे हाथ, अगर मैंने हैंडल कर रहा हूँ अब आप इसको टच करोगे तो आपका टेम्परेचर हमारा सेम है, लेकिन जब आप इसको टच करोगे तो पता चल जाएगा नई बॉडी ने इसको टच किया तो उस पर ये रिएक्शन देते हैं। अब रेप्टाइल्स का ये इशू होता है, सारे रेप्टाइल्स का ये होता है कि ये कहते हैं कि जैसे इंसान को देखो तो भागो, भाग ना पाओ तो डराओ, जब वो डरे ना तो उसको फेक अटैक करो, जब फेक अटैक करने के बाद भी ना वो करे तो उसको बाइट करो। इनका थीम ये होता है, आपको फॉरन रेप्टाइल्स कभी भी अटैक नहीं करते, फॉरन रेप्टाइल्स कभी भी नहीं खाते। हाँ अंटिल अनलेस कोई सांप बैठा है आपने उसके ऊपर पांव रख दिया वो अलग सीन है, वो अग्रेशन लिए बैठा है किसी प्रे के लिए या वो तैयार बैठा है किसी शिकार के लिए, उसके बीच में आप आ गए तो वो अलग मैटर है। अदरवाइज दे नॉट गोना बाइट यू अटैक यू फॉर द हंट पर्पज, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो आराम से अपने रहते हैं। और पहले आपको डराते हैं हर हाल में, इंसान को बोलते हैं चले जाओ दूर, जब आप नहीं डरते तो उनके पास कोई चांस नहीं। अगर आप होशियारी करेंगे तो ऑब्वियसली वो काटेगा। मैं कहता हूं कि भाई अगर आप कहीं भी सांप देखें तो प्लीज हीरो ना बने, कोई होशियारी ना दिखाए, आप उसको एज इट इज रहने दें, उस जगह से चले जाए या किसी प्रोफेशनल को बुलाए। मूवी से रब्ता कर सकते हैं, मूवी का इंस्टाग्राम नीचे मेंशन किया हुआ है, लाइक ये रेस्क्यू कर सकता है, TRW है ऑन की जो कंपनी है वो रेस्क्यू करते हैं स्नेक्स वगैरह रेप्टाइल्स वगैरह, कुत्ते बिल्ली नहीं। अच्छा दूसरी बात ये कि लोग क्या करते हैं सांप मार देते हैं और फिर मारने वाले सांप मरे हुए सांप के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। मरा हुआ सांप जिंदा के जिंदा सांप से ज्यादा खतरनाक होता है, तो मरे हुए सांप को तो बिल्कुल भी टच करना नहीं चाहिए, जिंदा को तो ना करें, लेकिन मरे हुए सांप के साथ जो लोग मजाक करते हैं एक दूसरे को उठा के फेंकते हैं वो ज्यादा डेंजरस होता है। उसका रीजन ये, जैसे हम कोई आदमी नॉर्मली कोई या कोई जानवर मर जाता है तो उसके अंदर से उसका पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाती है। सांप का जहर उसके फैंग्स उसके दांतों में होता है, फैंग्स जो होते हैं, तो जब वो सांप आप मार देते हो तो उसके वो मसल ढीले हो जाते हैं और वो पॉइजन रिलीज होकर नीचे आ चुका होता है। तो अगर खेल खेल में अगर उसका स्टिंग या उसका जो फैंग है वो आपको टच कर जाए, हिट कर जाए, तो आपके अंदर जहर ट्रांसफर हो जाएगा मजाक मजाक में। और इवन अगर आपको जख्म हुआ हुआ है और उसका छींटा उठ के आपके जख्म पे लग गया तो भी वो आपके को डेडली साबित होगा आपके लिए। तो प्लीज मरे हुए सांपों के साथ तो कभी भी मजाक नहीं किया करो, और लाइफ के साथ तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, वो तो बिल्कुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और अगर कोई सवाल है रिलेटेड टू एनी एनिमल यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मूवी एज वेल, इसका इंस्टाग्राम नीचे मेंशन किया हुआ है। थर्डली लेट मी नो अगर तुम्हें इस तरीके की एजुकेशनल मजे की वीडियोज चाहिए जिसमें हम बैठ के बात करें ऑन एनिमल्स, तो उस जानवर के बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता दो, अजलान में इस जानवर के बारे में बात करनी है, फलाने जानवर के बारे में। ये थी आज की वीडियो, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दुनिया घूमते रहें, जानवरों से प्यार करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।